ऐसे में ये हमारे लिए कितना छिपाने वाली मुश्किल बात है। को मैं कहूंगा, ये एक तरह से ऑफेंस भी है, एक क्रिमिनल ऑफेंस है, क्योंकि ये संक्रामक बीमारी को फैलाने का ऑफेंस है। इसमें ऐसे लोगों को मैं चेतावनी भी देना चाहूंगा कि इस तरह का कोई कृत्य ना करें, क्योंकि ये चीज़ अगर प्रकाश में आएगी कि मैं जानबूझ कर छिपाया है तो उसके ऊपर आपराधिक कार्रवाई भी हो सकती है। और आपके स्वयं के लिए, आपके परिवारजनों के लिए भी अच्छी बात है कि अगर कहीं से भी लक्षण आया तो आप उनको तुरंत बताएं, ताकि उसमें और फैमिली वाले उसमें बच जाए। और दूसरा, जिसका लक्षण आया वो ये पूरी बीमारी पूरी तरह से ट्रीट हो सकती है। इसमें कैसा ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कि ट्रीट नहीं हो सकती है। और जैसा आपने देखा भी कि 11 लोग कल जा चुके हैं, 3 लोग आज डिस्चार्ज हो जाएंगे, ये वो लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित होने के बाद ठीक होकर वापस गए हैं। तो समय पर आना इसमें बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय पर अगर आप आ जाएंगे तो निश्चित रूप से इस बीमारी में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर, समय पर आएंगे तब जब अस्पताल उनको लेंगे, अस्पताल ले ही नहीं रहे ऐसे में। देखिए, इसमें हम लोगों ने 3 कैटेगरी के हॉस्पिटल बनाए थे। रेड में तो जैसा आपको पता है कोविड पॉजिटिव जा रहे हैं, जिसमें MRTB है और अरविंदो हॉस्पिटल है, और चेस्ट वार्ड हमने हाईली सस्पेक्टेड केसेस के लिए रखा है। ये दो गवर्नमेंट फैसिलिटी है और एक अरविंदो की है जिसे गवर्नमेंट से एग्रीमेंट हुआ। येलो हॉस्पिटल में वो कैटेगरी के हॉस्पिटल्स हैं जिसमें हम जिसमें कोविड जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं ऐसे पेशेंट्स के लिए, और बाकी सभी बीमारियों के लिए ग्रीन हॉस्पिटल्स हैं। निश्चित रूप से ऐसी शिकायतें आई हैं कुछ हॉस्पिटल्स से, ग्रीन हॉस्पिटल और येलो हॉस्पिटल से, कि पेशेंट्स लेने के लिए, इवन सामान्य बीमारियों के लिए लेने में कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत की जा रही है। इसमें हम लोग काफ़ी सख्त कार्रवाई करेंगे और उनको हम लोग चेतावनी भी देना चाहते हैं कि इस प्रकार का कृत्य बंद कर दें, नहीं तो उसमें बहुत गंभीर परिणाम उनको भुगतने पड़ सकते हैं। हम लोग कुछ हॉस्पिटल्स का दौरा भी आज करेंगे जहाँ पे जिन जगहों पे ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं, और इसको डेली बेसिस पे हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। 2 ऑफिसर्स इसमें लगे हुए हैं और इसको हम लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं कि इस चीज़ को हमको सभी हॉस्पिटल से ठीक करवाना पड़ेगा कि जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनमें किसी प्रकार की बीमारी हो उनको तुरंत ट्रीट किया जाए। वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑर्डर की गई है, जैसे ही वो आएंगे उस टेस्ट को हम लोग भी करना शुरू कर देंगे। हम लोग ने यथासंभव अपनी लैब में जितनी कैपेसिटी बढ़ा सकते थे, लगभग 200 टेस्ट की क्षमता में हम लोग आ चुके हैं, और दिन रात वहाँ पर काम हो रहा है। रात में भी शिफ्ट चलती रहती है और पूरे समय इसमें काम हो रहा है। और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट आने के बाद ये क्षमता हमारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि हमको लगता है कि जितने ज़्यादा सैंपल्स हम और जल्दी जाँच लेंगे और पेशेंट्स अगर जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो हमको उनको क्योर करना आसान रहेगा। सर, अभी जो भी डेथ्स हुई हैं उनमें सब में यही देखा गया है कि मरीज बहुत लेट हॉस्पिटल में आया है। कुछ में तो ये भी स्थिति रही है कि सैंपल पॉजिटिव जब तक आया तब तक हो चुकी, इतना लेट आया था उसकी डेथ हो चुकी थी उसमें। तो ये बहुत आवश्यक है, अगर समय पर मरीज आ जाता है और समय पर डिटेक्ट हो जाता है तो निश्चित रूप से उसकी डेथ रोकी जा सकती है। सर, एक बड़ी गंभीर बात आ रही है, लोग अभी भी मरीज छुप